नमस्कार। तो आज के इस सेशन में मैं आपको रियल्स ऑफ द अर्थ के बारे में बताऊंगा। तो यह जो टॉपिक है, एक छोटा सा टॉपिक है जिसमें आपको मुख्य रूप से लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त होंगे। तो सीधे मैं आपको डायरेक्ट चैप्टर पे ले चलता हूँ। निश्चित रूप से आप सेशन में बने रहेंगे, कोई भी सेशन आप तभी समझ पाएंगे जब आप उस सेशन को बखूबी पूर्ण रूप से देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बिना किसी दिक्कत के। कह रहा है कि रियल्म्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के क्षेत्र। मैं एक एक चीज को तोड़ तोड़ के बताऊंगा तो निश्चित रूप से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो रियल्म्स मतलब होता है क्षेत्र, अर्थ मतलब पृथ्वी। तो कह रहा है कि द आउटर पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव। कह रहा है कि पृथ्वी का बाह्य भाग, आउटर मतलब बाह्य, तो बाह्य भाग जिसपे हम लोग रहते हैं, इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल इवेंट्स। तो कह रहा है कि एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, ठीक ना, और जो नेचुरल फीचर है, प्राकृतिक जो विशेषता या फिजिकल फीचर्स कहें तो भौतिक विशेषताएं, और जो नेचुरल इवेंट्स हैं, प्राकृतिक घटना, और जो इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म है, दिलचस्प जीव, तो ये सबके सब भरे हुए हैं ना। तो इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म, फिजिकल फीचर्स एंड नेचुरल इवेंट्स, इन सारे चीजों से यह हमारा जो पृथ्वी है वो भरा पड़ा है ना। कह रहे कि दिस पार्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन डिवाइडेड इनटू फोर रियल्म्स, दीज रियल्म्स आर। और कह रहे कि यह जो आपका अर्थ का जो भाग है, चार, यानी कि चार क्षेत्रों में बटा हुआ है, ठीक ना, चार क्षेत्रों में इसे बांटा जा चुका है, ठीक ना। तो वह क्षेत्र आपका है लिथोस्फेयर, जिसे हम बोलते हैं स्थल मंडल या भूमंडल, लिथोस्फेयर को गैसोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक ना, एटमोस्फेयर वायुमंडल, और उसके बाद आपका है हाइड्रोस्फेयर अर्थात जल मंडल, और लास्ट आपका वायुस्फेयर अर्थात जीव मंडल। तो ये चार ना, ये चार रियल्म्स अर्थात क्षेत्र हैं। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। लिथोस्फेयर ना, जिसे गैसोस्फेयर भी कहते हैं, गैसोस्फेयर, ठीक ना, उसके बाद एटमोस्फेयर, वायोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। अब मैं एक एक करके सबके बारे में मैं बताऊंगा कि आखिर ये होते क्या हैं। तो चलिए मैं सबसे पहला जो आपका है लिथोस्फेयर, जिसे स्थल मंडल बोलते हैं, ठीक ना, तो स्थल मंडल के बारे में समझिए। करें कि लिथोस्फेयर और गैसोस्फेयर इज द सॉलिड रॉकी क्रस्ट कवरिंग द इंटायर प्लेनेट। इंटायर मतलब पूरा, प्लेनेट मतलब ग्रह, लिथोस्फेयर मीन्स स्थल मंडल। तो कह रहा है कि स्थल मंडल जो है ना, एक सॉलिड होता है, ठीक ना, रॉकी क्रस्ट कवरिंग इंटायर प्लेनेट, यानी कि पूरे प्लेनेट ढका हुआ है, ठीक ना। आगे कह रहा है कि दिस क्रस्ट इज इनऑर्गेनिक, और यह जो क्रस्ट, यह जो परत, क्रस्ट मतलब परत, तो यह जो परत है ना, इनऑर्गेनिक है, अकार्बनिक, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक का मतलब अकार्बनिक, एंड इज कम्पोज ऑफ रॉक्स, और यह बना किससे है, तो यह चट्टानों से मिलकर बना है। इतना ही नहीं, मिनरल्स से भी, मिनरल्स अर्थात खनिजों से, एंड एलिमेंट्स, कई तत्वों से मिलकर यह परत, इन परतों का निर्माण हुआ है ना। तो इन जो लिथोस्फेयर, जिसे हम स्थल मंडल बोलते हैं, तो स्थल मंडल के इन परतों का, इन परतों का निर्माण, क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है, ठीक ना, तो वह क्रस्ट जो बना है तो अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बना है, और इन अकार्बनिक पदार्थों में आपका रॉक्स आ जाता है, कई प्रकार के मिनरल्स आ जाते हैं, और कई प्रकार के एलिमेंट्स भी आते हैं, इन सारी चीजों से मिलकर इनका निर्माण हुआ है। कह रहा है कि बिसाइड्स द क्रस्ट, कह रहा है कि इन परतों के अलावा, इट आल्सो इंक्लूड्स द पार्ट्स ऑफ अपर मेंटल, यानी कि जो इनकी ऊपरी मेंटल का जो भाग है वह भी इसमें शामिल है, इन परतों के अलावा। चलिए इनसे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं। कह रहा है कि इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट एवरेस्ट टू द बॉटम ऑफ मरीना ट्रेंच एंड कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ टोटल सरफेस एरिया। तो कह रहा है कि इट एक्सटेंड्स, इसका जो विस्तार होता है, या जो फैला हुआ है ना, इसका जो विस्तार है, तो कहें तो माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है
उस चोटी से लेकर मरीना ट्रेंच का जो बॉटम है वहां तक इसका विस्तार है। किसका? तो लिथोस्फेयर का। तो अगर परसेंटेज की बात करें ना, तो पृथ्वी के टोटल सरफेस एरिया का जो सतही क्षेत्रफल है, उस पूरे सतही क्षेत्रफल का 29% इसका एरिया है। किसका? तो लिथोस्फेयर का। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है कि द लिथोस्फेयर इज अनइवन। तो जो लिथोस्फेयर है ना, अर्थात जो स्थल मंडल है या असमतल है, ठीक ना, एंड कंटेन्स वेरिड जियोलॉजिकल फीचर्स सच एज प्लेन्स, माउंटेन्स एंड डिजर्ट्स। और इसके साथ साथ कई भूवैज्ञानिक विशेषताएं भी हैं, जैसे कि प्लेन्स हो गए, मैदानी क्षेत्र हो गए, डिजर्ट रेगिस्तान हो गए, माउंटेन अर्थात पहाड़। तो ये सारे चीज इसमें क्या है, शामिल। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि द लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू टेक्टोनिक प्लेट्स। और कह रहा है कि यह जो स्थल मंडल है यह टेक्टोनिक प्लेटों में क्या है, बटा हुआ है। नेक्स्ट, विच मूव्स स्लोली रिलेटिव टू वन एनदर। और कह रहा है कि ये एक दूसरे के सापेक्ष क्या होते हैं, घूमते रहते हैं ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लिथोस्फेयर किन प्लेटों में बटा है, तो टेक्टोनिक प्लेट, और ये परस्पर आपस में क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। समटाइम्स कभी कभी द इंटरेक्शन ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शन। कभी कभी कह रहा है कि इन प्लेटों में हलचल हो जाने के कारण क्या होता है कि भूकंप का कारण हो जाता है, कभी कभी तो ज्वालामुखी भी मतलब निकल आता है, वॉल्केनिक इरप्शन। तो ये इन सबके कारण है, ठीक ना, जब इसमें अचानक से अपने गति से मतलब अवगति हो जाता है। कहने का मतलब है कि जो सामान्य गति है इसमें अगर किसी प्रकार का हलचल, ठीक ना, आ जाती है, ठीक ना, तो कभी कभी इसमें क्या होता है, भूकंप का कारण बन जाता है, भूकंप आने लगता है, ठीक ना, ज्वालामुखी निकलने लगता है। ये सारे कारण से हैं, ठीक ना। आगे कह रहा है कि एटमॉस्फेयर। तो इससे पहले हम लोगों ने लिथोस्फेयर के बारे में समझा, ठीक ना, लिथोस्फेयर जो है यह पूरे पृथ्वी यानी कि अर्थ टोटल सरफेस एरिया का 29% क्या है, ढका हुआ है। अगर इसके विस्तार की बात करें तो यह माउंट एवरेस्ट के टॉप से लेकर, ठीक ना, और यह मरीना ट्रेंच जो है उसके बॉटम तक इसका विस्तार है। और अगर मैं इसके परतों की बात करूं तो इसके परत का निर्माण जो हुआ है, इसमें आपका कई इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि रॉक हो गया, उसके बाद एलिमेंट्स कई हो गए हैं, एलिमेंट्स के साथ साथ मिनरल्स हो गए, इन सारी चीजों से मिलकर ये बना हुआ है, ठीक ना, लिथोस्फीयर। तो चलिए, लिथोस्फीयर के बाद मैं सीधे आपको ले चलता हूँ एटमॉस्फेयर पे। आखिर एटमॉस्फेयर होता क्या है? स्पष्ट है नाम से ही एटमॉस्फेयर ना, वायुमंडल। क्या है? वायुमंडल। तो चलिए समझते करें, द एटमॉस्फेयर इज द लेयर ऑफ गैसेज व्हिच सराउंड्स द अर्थ। करें कि यह जो एटमॉस्फेयर है, यह जो वायुमंडल है, ठीक ना, यह गैसों का एक लेयर होता है जो पृथ्वी को क्या है, चारों ओर से घेरे हुए हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की गैस होते हैं, इसमें भी सभी गैसों का अपना अपना परसेंटेज होते हैं। करें कि इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन, यह नाइट्रोजन से मिलकर बना है, ठीक ना। तो नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है, तो 78.1%। नाइट्रोजन का कितना परसेंट, 78.1%। अगर ऑक्सीजन की मैं बात करूं तो 20.9%, इसे 21% भी आप कह सकते हैं, विद स्मॉल अमाउंट्स ऑफ आर्गन, और आर्गन का भी बहुत कम मात्रा इसमें उपलब्ध है, ठीक ना, 0.9%। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.035% कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा वाटर वेपर है, ठीक ना, अदर गैसेज है। अगर मैं आगे अगला पॉइंट की बात करूं तो कह रहा है इट इज हेल्ड इन इट्स प्लेस बाय द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। और कह रहा है कि यह अपने जगह पे मतलब अपने अस्तित्व को कायम करके रखता है, अपने जगह पे बने हुए रहता है। किसके कारण? ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण यह अपने जगह पे बना हुआ रहता है। कह रहा है एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट्स लाइफ ऑन अर्थ बाय एब्जॉर्बिंग एंड ऑल एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। करे कि सूर्य से निकलने वाली जो प्राविग्नी किरणें होती हैं, तो सूर्य से निकलने वाली प्राविग्नी किरणें को एब्जॉर्ब करके, अवशोषित करके, यानी कि जो मनुष्य का जीवन है, ठीक ना, मानव जीवन को यह क्या करता है, बचा करके रखता है ना, प्रोटेक्ट लाइफ,
ठीक ना, ऑलवेज हमेशा यह क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कह रहा है इट मेक्स आवर डेज कूलर एंड आवर नाइट्स वार्मर, कह रहा है कि हमारे दिन को तो अच्छा रखता ही है, यानी कि ठंडा, यानी कि यह बैलेंस बना करके रखता है, कहने का मतलब यही है। कह रहा है इट इज यूजुअली थॉट ऑफ एज कंसिस्टिंग ऑफ फोर लेयर्स, आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि इसके क्या है, चार लेयर है एटमोस्फेयर के, कितने लेयर, चार लेयर। तो समझिए कह रहे हैं कि ट्रोपोस्फेयर, क्या है ट्रोपोस्फेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्षोभ मंडल बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर जिसे हम समताप मंडल बोलते हैं, मिसोस्फेयर जिसे मिसोस्फेयर के ही नाम से हम डिनोट कर सकते हैं, कह सकते हैं मिसोस्फेयर, और थर्मोस्फेयर, ठीक है ना। ये चार लेयर किनके हो गए, तो एटमोस्फेयर के। ध्यान रखना है एटमोस्फेयर के कितने लेयर, तो चार लेयरों में इसे बांटा जा सकता है, ठीक ना। वो आपका कौन कौन सा, आपका हो गया ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मिसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर, जिसे वायु वायुमंडल कहते हैं। ये चार लेयर हो गए इनके, तो एटमोस्फेयर के। एटमोस्फेयर के बारे में अगर पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय एटमोस्फेयर, तो अ लेयर ऑफ एयर या डिफरेंट गैसेज विच सराउंड्स द अर्थ इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। समझ वाली बात, आगे समझिए। कह रहा है कि कंडीशंस इन द ट्रोपोस्फेयर क्रिएट द वर्ल्ड्स वेदर, कह रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर अर्थात जो आपका क्षोभ मंडल है, ठीक ना, क्षोभ मंडल के जो स्थिति में जो कंडीशन ऑफ ट्रोपोस्फेयर, यानी कि जो इसकी स्थिति होती है ना, किसका, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल की जो स्थिति होता है, ठीक ना, तो इसमें जो उतार चढ़ाव होता है, इसी कारण जो वर्ल्ड्स वेदर है इसका निर्माण होता है। कह रहा है कि हेयर टेम्परेचर यूजुअली डिक्रीज विद हाइट एट द रेट ऑफ 6 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 1000 मीटर, कह रहा है कि प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर क्या होता है, सीधे नीचे आ जाता है, अर्थात घट जाता है। प्रत्येक 1000 मीटर के ऊंचाई पर जाने पर, ठीक ना, 6 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज करता है। बात समझा दिया। तो ये जो मुख्य मुख्य बातें थे, मैंने आपको बताने का प्रयास किया, वो आपका एटमोस्फेयर के बारे में था, ठीक ना, कि एटमोस्फेयर होता क्या है, इनके कितने परत हैं ना, एटमोस्फेयर में कौन कौन से गैस कितने कितने मात्राओं में उपस्थित हैं, तो इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट आपका जो है हाइड्रोस्फेयर, अर्थात जलमंडल जिसे बोलते हैं, ठीक ना, हाइड्रोस्फेयर, चलिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहे हैं कि द हाइड्रोस्फेयर इज द कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन, ओवर एंड अंडर, ठीक ना, द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि हाइड्रोस्फेयर इज कंबाइंड, कंबाइंड का मतलब होता है संयुक्त, ठीक ना। तो कह रहा है कि हाइड्रोस्फेयर इज द कंबाइंड मास ऑफ वाटर, कह रहा है कि जल का यह संयुक्त द्रव्यमान है, ठीक ना, जो कि पृथ्वी के, यानी कि ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के सतह के ऊपर, ठीक ना, अंदर, ठीक ना, और इसके साथ रहता है, ठीक ना, तो वह आपका क्या है, हाइड्रोस्फेयर है ना। एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, हाइड्रोस्फेयर इज द कंबाइंड मास ऑफ वाटर फाउंड ऑन, अंडर, ठीक ना, एंड ओवर, पूरा, ठीक ना, उसके सतह पर और उसके नीचे जो रहता है वही आपका क्या कहलाता है, हाइड्रोस्फेयर। तो यह किसका, तो जल का संयुक्त मास, द्रव्यमान। कह रहा है कि अबाउट 71% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर इन द फॉर्म ऑफ ओशियंस, सीज, बेज, गल्फ्स, लेक्स, रिवर्स एटसेट्रा। कह रहा है कि अबाउट 71% पृथ्वी के सरफेस का 71% जो है ना, वह जल से ही ढका हुआ, और यह किस किस फॉर्म में है, तो यह आपका ओशियन फॉर्म में है, ठीक ना, महासागर फॉर्म में, समुद्रों के रूप में है, ठीक ना, उसके बाद खारी के रूप में है, गल्फ, बे, खारी, उसके बाद जो है आपका लेक के रूप में है, उसके बाद रिवर के रूप में, इन सारे फॉर्म में आपका ये 71% पूरे अर्थ सरफेस का यह कवर किए हुए है जल से। अगर मैं अगला पॉइंट की बात करूं, तो द ओशियंस कंटेंस मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस वाटर विच इज साल्टी, और कह रहा है कि जो ओशियंस, ओशियंस का जो अधिकांश जो भाग है ना, वो उसका जो पानी है वो कैसा है, तो खारा पानी है ना, नमकीन है, ठीक है ना, साल्टी,
ठीक है ना। आगे कह रहा है कि मोस्ट फ्रेश वाटर इज फ्रोजन इनटू ग्लेशियर्स, और जो अधिकांश जो फ्रेश वाटर है ना वो क्या होता है ग्लेशियर में जाके फ्रोजन हो जाता है, जम जाता है। एंड मोस्ट अवेलेबल फ्रेश वाटर इज स्टोर्ड अंडरग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर, और जो पीने योग्य पानी है उसमें से भी अधिकांश वह भूमिगत जल के रूप में क्या होता है स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है। तो ये बात आपको मैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में बताया, ठीक है ना। अब और भी इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, आप समझ सकते हैं। कह रहे कि लाइफ ऑन द प्लेनेट इज पॉसिबल ड्यू टू द हाइड्रोस्फीयर, कह रहे कि जीवन संभव है, किसी भी प्लेनेट पर जीवन संभव है यदि वहां पे क्या हाइड्रोस्फीयर है। हाइड्रोस्फीयर बोले तो वहां पे जल होना चाहिए, जल है तो आपको ऑक्सीजन मिल ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जल का जो अणुसूत्र होता है, ठीक है ना, तो वह आपका H2O होता है, ठीक है ना। तो H2O अर्थात हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो जहां पे हाइड्रोस्फीयर है वहां पे जीवन संभव है, ठीक है ना। हाइड्रोस्फीयर नहीं है तो फिर दिक्कतें हैं। करेंगे और अर्थ गेट्स इट्स नेम ऑफ ब्लू प्लेनेट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्फीयर। अब कह रहा है कि यहाँ से भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि हमारी पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट के रूप में जाना जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे जैसा कि मैंने आपको जस्ट ही पहले बताया है कि हमारी पृथ्वी 71% जो है ना पृथ्वी का सरफेस जल से ही ढका हुआ है ना, जल से ढका हुआ है। तो जब इसे स्पेस से देखा जाता है तो अधिकांश जल होने के कारण ही इसे बोला जाता है ब्लू प्लेनेट, क्या बोला जाता है ब्लू प्लेनेट के रूप में इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपका है वायुस्फीयर, क्या है वायुस्फीयर, ठीक ना। तो वायुस्फीयर के बारे में हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि द बायोस्फीयर कैन बी डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ द अर्थ लिथोस्फीयर। अब कह रहा है इस बायोस्फीयर में आप जितने भी लिथोस्फीयर के बारे में पढ़े, एटमोस्फीयर के बारे में पढ़े और हाइड्रोस्फीयर के बारे में, ये सब के सब बायोस्फीयर में क्या है सम्मिलित है, शामिल है। तो कह रहा है कि द बायोस्फीयर कैन बी डिफाइंड, इसे परिभाषित किया जा सकता है द पार्ट ऑफ अर्थ लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, ठीक है ना, ऑक्यूपाइड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे जीवित जीवों का क्या है कब्जा है, समझा रही है। नेक्स्ट कह रहा है इट इज मेड अप ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, कह रहा है कि पृथ्वी पर सभी जो जीव हैं उनसे मिलकर यह बनता है, कौन तो बायोस्फीयर। कह रहा है एज वेल एज, साथ ही साथ द फिजिकल एनवायरमेंट इन विच दे लिव, और फिजिकल एनवायरमेंट जिसमें हम लोग वे लोग सारे लोग क्या करते हैं रहते हैं। कह रहा है कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म एक्चुअली लिव विद इन अ स्मॉल एरिया इन द बायोस्फीयर, कह रहे कि जितने भी अधिकांश ऑर्गेनिज्म अधिकांश जीव वास्तव में एक छोटे से एरिया में रहते हैं ना, कह रहे कि फ्रॉम अबाउट 500 मीटर बिलो द ओशियंस सरफेस टू अबाउट 6 किलोमीटर अबव द सी लेवल, कह रहे कि 500 मीटर ओशियन के सरफेस से नीचे से लेकर, ठीक है ना, 6 किलोमीटर अबव सी लेवल, सी लेवल के ऊपर 6 किलोमीटर तक के एरिया में सभी जीव जंतु, मतलब कि इन छोटे से एरिया में रहते हैं, समझ आ रही बात। आगे कह रहा है कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द बायोस्फीयर इंक्लूड ह्यूमंस एनिमल्स प्लांट्स इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स, कह रहा है कि इस बायोस्फीयर में कौन कौन शामिल होते हैं, तो ह्यूमेंस भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, एनिमल्स होते हैं, ठीक है ना, प्लांट्स होते हैं, इंसेक्ट्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सब के सब इसमें क्या होते हैं शामिल होते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है वह आपका इन्वायरमेंट है, और इन्वायरमेंट जिस इन्वायरमेंट में हम लोग रहते हैं थोड़ा सा इस पे भी चर्चा किया जा सकता है, चलिए तो हम लोग करते हैं चर्चा। करे कि ऑल द लिविंग थिंग्स दैट सराउंड अस मेक आवर एन्वायरमेंट, करे कि हमारे पास जितने भी चीज रहते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हो या लिविंग थिंग्स हो, जितने भी थिंग्स हैं ये सब इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं, इन्वायरमेंट को बनाते हैं। करे कि इट इंक्लूड्स ऑल लिविंग थिंग्स एंड नेचुरल फोर्सेज, और इसमें सभी शामिल होते हैं, सभी लिविंग थिंग्स शामिल होते हैं, उसके साथ साथ सभी नेचुरल फोर्सेज भी शामिल होते हैं, प्राकृतिक जो शक्ति है वो सब सब हमारे इन्वायरमेंट में क्या होते हैं उपलब्ध होते हैं। करे कि दिस इन्वायरमेंट ऑफ लिविंग थिंग्स प्रोवाइड्स कंडीशंस फॉर आवर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ एज वेल एज डेंजर एंड डैमेज, करे कि हमारे इन्वायरमेंट में जितना हमें फायदे होते हैं उतना कभी कभी नुकसान भी होते हैं, कोई आपदा आ गया
तो बहुत सारे चीजों का क्षति हो जाता है, हमारे बहुत सारे मूल्यवान चीज क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो जितना ये हमारे लिए मतलब सुविधा को प्रदान करता है, लिविंग थिंग्स के लिए सुविधा प्रदान करता है, ठीक, कभी कभी उतना ही हमें हानि भी मिलता है। तो जहाँ पे सुख वहाँ पे दुख, दोनों जो है एक दूसरे के समरूप हैं, ठीक है ना। सुख और दुख तो भाई भाई हैं, है कि नहीं। आगे कह रहा है कि लिविंग थिंग्स डू नॉट सिंपली एग्जिस्ट इन देयर एनवायरमेंट। कह रहा है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो सजीव चीजें हैं, वो आसानी से अपने इसके एनवायरमेंट में अस्तित्व में नहीं आते हैं। कह रहा है कि दे कंस्टेंटली इंटरेक्ट विद इट, और ये लगातार वे लगातार एक दूसरे के इंटरेक्ट में रहते हैं, ठीक ना, उसके इंटरेक्ट में रहते हैं। कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म चेंज इन रिस्पॉन्स टू कंडीशंस इन दियर एनवायरमेंट। कह रहा है कि अपने इस पर्यावरण में, ठीक ना, जो उनकी स्थिति है, यानी कि रिस्पॉन्सेज टू कंडीशंस इन दियर एनवायरमेंट, मतलब कि ऑर्गेनिज्म चेंज, यानी कि जो जीव है वो परिवर्तनीय होते हैं। आगे कह रहा है कि इन एनवायरमेंट, जो पर्यावरण है हमारा, हमारे पर्यावरण में देयर इज अ रेगुलर इंटरेक्शन अमंग प्लांट्स, एनिमल्स, सॉइल, वाटर, टेम्परेचर, लाइट एंड ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यानी कि जितने भी चीज है ना हमारे पर्यावरण में, सब के सब एक दूसरे से इंटरेक्ट होते रहते हैं, है कि नहीं। अगर हम मनुष्य हैं तो हम लोग पौधे पे निर्भर रहते हैं, है कि नहीं। पौधे हैं तो वो सूर्य के प्रकाश पे निर्भर रहते हैं। तो सब के सब एक दूसरे से इंटरेक्ट हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, है कि नहीं। तो इस सेशन में आपको बहुत सारे मुख्य बातों के बारे में मैं बताने का प्रयास किया, चाहे वो एनवायरमेंट हो, चाहे वो एटमॉस्फेयर हो, चाहे वो हाइड्रोस्फेयर हो, चाहे वो लिथोस्फेयर हो। फिर भी अगर आपको कुछ जगह पे अगर दिक्कत है, कोई चीज नहीं समझ में आए, तो एक बार आप पुनः फिर से देख लें, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना राय दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में नए ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।